हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम बात करेंगे ज्योग्राफी के एक टॉपिक की, काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। कौन सा टॉपिक है? सॉइल ऑफ इंडिया। दोस्तों भारत की मिट्टी के बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, जो कि आपका जो पेपर आने वाला है, अपकमिंग एग्ज़ाम है पुलिस का और पटवारी का, दोनों के लिए ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। दोनों के एस्पिरेंट्स इस वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों इससे पहले यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो, तो मैं आपको बता दूं कि इस चैनल पर आपको अच्छी पुलिस के रिगार्डिंग हर इन्फॉर्मेशन दी जाती है, इसलिए आपको चैनल पर बने रहना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन जरूर ऑन करना है। दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे भारत की मिट्टी के बारे में और उनके प्रकारों के बारे में। दोस्तों क्वेश्चन आपको इस प्रकार से पूछा जाता है एग्ज़ाम में कि भारत की जो मिट्टी है वो किस प्रकार से की है, और जैसे आपको एग्जांपल दिया जाएगा कि जलोढ़ मिट्टी या लाल मिट्टी या लेटराइट मिट्टी में कौन से आयरन पाए जाते हैं, या कौन सा किस प्रकार की ये मिट्टी होती है, जलोढ़ मिट्टी किस प्रकार की होती है, वो किस राज्य में पाई जाती है। इस प्रकार से क्वेश्चन जो है वो एग्ज़ाम में आपको पूछे जाएंगे। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए भारत की जो मिट्टी है, मिट्टी का अध्ययन क्या कहलाता है। इससे पहले ही आपका एग्ज़ाम में क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि मिट्टी के अध्ययन को क्या कहा जाता है, पेडोलॉजी। आपको ध्यान में रखना है, क्या बोला मैंने, मिट्टी के अध्ययन को क्या कहा जाता है, पेडोलॉजी, मृदा विज्ञान। नेक्स्ट बात करते हैं, जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है, इसने भारत की मिट्टियों को 8 भागों में विभाजित किया गया है, और पहले चार भाग ही इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट आपका एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चार पहले भाग कौन सी मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, और ये लास्ट के चार भाग जो है वो ऐसे ही आपको लर्न रखने हैं, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। कौन सी, मरुस्थलीय मिट्टी, क्षारीय मिट्टी, जैव मिट्टी और बनीय मिट्टी। 8 प्रकार की मिट्टी जो है वो भारत की है, और आपको एक एक करके हम डिस्कस यह मिट्टी आपके सामने करेंगे। सबसे पहले टाइप की ओर चलते हैं, कौन सी मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी। दोस्तों जलोढ़ मिट्टी के बारे में आपको याद यही रखना है कि भारत के 24% हिस्से में ये मिट्टी पाई जाती है, और सबसे ज़्यादा यही मिट्टी भारत में पाई जाती है, ठीक है। और यदि आपको क्वेश्चन आ जाए कि सबसे अधिक मिट्टी जो है वो अब भारत में कौन सी पाई जाती है, तो आपको आंसर टिक लगाना है जलोढ़ मिट्टी। कौन सा आंसर टिक लगाना है, जलोढ़ मिट्टी। और जलोढ़ मिट्टी के बारे में आपको ये याद रखना है दोस्तों, ये नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी है, और इसमें जो है वो पोटाश की मात्रा सबसे अधिक होती है। आपको आंसर दिया जाएगा, ऑप्शन दिया जाएगा कि आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, कुछ भी अलग ऑप्शन आ जाएंगे, तो आपको पोटाश ही टिक लगाना है कि इस मिट्टी में जो है वो सबसे अधिक मात्रा में पोटाश पाया जाता है। दोस्तों जलोढ़ मिट्टी जो है वो 2 प्रकार में विभाजित है, कौन कौन सी, भांगर और खादर। कौन कौन सी, भांगर और खादर। दोस्तों भांगर मिट्टी जो है वो पुरानी जलोढ़ मिट्टी को कहा जाता है, और खादर जो है वो नई जलोढ़ मिट्टी को कहा जाता है। इतनी सी बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट आपको बात याद रखनी है, कौन सा फैक्ट आपको याद रखने का है, वो है आपका उर्वरता की दृष्टि से सबसे अच्छी मिट्टी मानी जाती है जलोढ़ मिट्टी, ठीक है। और क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं कि जलोढ़ मिट्टी में कौन कौन सी फसलें जो है वो उगाई जाती हैं। आपको ऑप्शन में ये आएगा जहाँ उगाई जाती हैं या नहीं उगाई जाती हैं, तो आपको फसलें लर्न रखने का काम है आपका। कौन कौन सी फसलें हैं, गेहूँ, मक्का, तिलहन, ठीक है, ये फसलें जो है वो जलोढ़ मिट्टी में उगाई जाती हैं। नेक्स्ट टाइप है आपका काली मिट्टी का। दोस्तों काली मिट्टी जो है, आपको क्वेश्चन इस प्रकार से आएगा, काली मिट्टी का काला रंग जो है वो किस प्रकार, किस कारण से है। काली मिट्टी का काला रंग जो है वो इस जो है वो केमिकल के कारण है। कौन सा है, टेटनीफेरस मैग्नेटाइट। टेटनीफेरस मैग्नेटाइट को आपको टिक लगाना है कि इसी कारण से काली मिट्टी का रंग जो है वो काला है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और निर्माण कैसे हो सकता है, निर्माण जो होता है वो बसाल्ट चट्टाने जो होती हैं, बसाल्ट रॉक जो होती हैं, उनसे टूटने से, या लावा प्रवाह, जब भी लावा होता है तब भी इसका जो है वो निर्माण होता है। और इसमें कौन कौन सी मात्रा, पहले हमने डिस्कस किया प्रीवियस स्लाइड में जलोढ़ मिट्टी, उसमें कौन सा जो केमिकल था वो प्रसिद्ध था,
मीन्स अधिक मात्रा में पाया जाता था उसमें था पोटाश, और इसके लिए आपको याद रखना है चूना, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम, तीन जो है वो आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट बात आती है थर्ड फैक्ट की। थर्ड फैक्ट है इसके रिगार्डिंग, काली मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ की अधिकता होती है। नेक्स्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको आएगा ही आएगा। काली मिट्टी को रेगूर मिट्टी भी के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन आपको इस प्रकार से आएगा एग्जाम में कि रेगूर मिट्टी को और किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन में हो गई जलोढ़ मिट्टी, लेटराइट मिट्टी या रेड सॉइल, इस प्रकार से जो है वो आपको क्वेश्चन आएगा डेफिनेटली। इसे ट्रिपल स्टार जो है वो मार्क कर लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका फैक्ट, क्या है फैक्ट, काली मिट्टी जो है वो कपास के लिए प्रयुक्त मानी जाती है। काली मिट्टी जो है वो कपास के लिए प्रयुक्त मानी जाती है, इसीलिए इसे ब्लैक कॉटन सॉयल भी कहा जाता है। काली मिट्टी के दो नाम हो गए, पहला हो गया रेगूर सॉयल, दूसरा हो गया ब्लैक कॉटन सॉयल। ठीक है, ये मिट्टी जो है वो महाराष्ट्र में पाई जाती है, ये भी आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट बात आती है आपकी थर्ड टाइप की। थर्ड टाइप कौन सा है, लाल मिट्टी, रेड सॉयल। ठीक है, पहले स्लाइड में था काली मिट्टी का काला रंग क्यों होता है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, और अब आपको यहाँ इस स्लाइड में पता चलेगा आपको लाल मिट्टी का लाल रंग क्यों होता है। लाल मिट्टी का लाल रंग एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। लाल मिट्टी का लाल रंग जो है वो आयरन ऑक्साइड के कारण होता है, इतनी सी बात आपको याद रखनी है। ठीक है, और जल के साथ ये मिट्टी जो है वो पीली दिखाई देती है, इतनी सी बात जो है वो आपको याद रखनी है। नेक्स्ट कौन कौन से इसमें सिलिका और आयरन की बहुता होती है, ये भी आपको याद रखना है। और निर्माण कैसे होता है, निर्माण होता है जलवायु परिवर्तन की वजह से कार्यंती जो शैलें होती हैं, जो पत्थर होते हैं, इनके विघटन से इनका निर्माण होता है। नेक्स्ट बात आती है जो ये मिट्टी होती है इसमें उर्वरता जो है वो विहीन होती है, और इसमें कपास, दाल, मोटे अनाज की खेती की जाती है, ये आपको याद रखना है। फसलें मेनली किसी भी मिट्टी के बारे में पूछा जाए तो इसमें कौन कौन से जो है वो फसलें उगाई जाती है, ये आपको याद रखना है। और लाल मिट्टी और काली मिट्टी के बारे में किसकी कारण ये काली या लाल मिट्टी होती है, ये याद रखना है। और इनके केमिकल याद रखने हैं कि कौन सा केमिकल जो है वो इसमें बहुत मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट, इसकी उर्वरता जो है वो पहले नहीं होती है, इसमें उर्वरता नहीं होती है, और उर्वरता को लाने के लिए जो है वो इसमें चूने का इस्तेमाल किया जाता है, तो ही इसमें उर्वरता आई जाती है। ठीक है, और जो ये मिट्टी है लाल मिट्टी, ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में पाई जाती है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात आती है लेटराइट मिट्टी की। दोस्तों लेटराइट मिट्टी जो है वो इसमें कोई भी फसल नहीं उगाई जाती, क्योंकि ये जो मिट्टी है वो मकान बनाने के लिए प्रयोग की जाती है, इतना सा बात आपको याद रखनी है। और ये मिट्टी जो है वो लाल मिट्टी की करेक्टरिस्टिक्स इसमें है, और ये खुद ही देख सकते हो आप। पहला पॉइंट है ये मिट्टी लाल खुरदरी होती है और शैलों यानी पत्थरों की टूट फूट से निर्मित की जाती है। ठीक है, और कृषि के लिए उपयोगी नहीं होती, इसका निर्माण जो है वो मकान निर्माण के लिए किया जाता है इसका इस्तेमाल। ठीक है, इतनी सी बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट आपको जो फैक्ट है वो भी याद रखना है, कौन सा, ये मिट्टी जो है वो मालाबार तटीय क्षेत्रों में प्रमुख रूप से पाई जाती है, इतनी सी बात आपको ये भी याद रखनी है। और इसमें कौन कौन से केमिकल पाए जाते हैं, आयरन और सिलिका अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। और कौन सी फसल जो है वो इसमें उगाई जाती है, यदि कोई उगाना ही चाहे तो चाय की फसल जो है वो इसमें सर्वाधिक उपयोगी है। यदि कोई उगाना चाहे लेटराइट मिट्टी पर फसल तो वो जो है वो चाय की फसल उगा सकता है। दोस्तों ये थी वीडियो जिसमें हमने डिस्कस किए सॉइल ऑफ इंडिया, भारत की मिट्टी के बारे में। दोस्तों आज की वीडियो का आपका क्वेश्चन है, आपको आज बताना होगा कि लाल मिट्टी का लाल रंग क्यों होता है, काली मिट्टी का काला रंग क्यों होता है, ये आपको दो क्वेश्चन हो गए। थर्ड क्वेश्चन आपको बताना है रेगूर सॉइल का और दो नाम क्या है, रेगूर सॉइल का और दो नाम क्या है। पहला क्वेश्चन आपको बताया लाल मिट्टी का लाल रंग क्यों होता है,
सेकंड क्वेश्चन, काली मिट्टी का काला रंग क्यों होता है, और थर्ड क्वेश्चन, रेगुर सॉयल का और क्या नाम है, ये भी आपको बताना है। दोस्तों ये थी वीडियो जिसमें हमने डिस्कस किया रेगुर ऑल जितने भी टाइप होते हैं, मेन मेन टाइप आपकी होगी रेड सॉइल, ब्लैक सॉइल, लेटराइट सॉइल और एलुवियल सॉइल, तीन चार सॉइल के बारे में हमने डिस्कस किया जो भी आपका मेनली एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन। दोस्तों ये थी वीडियो जिसमें आपको ये क्लियर होगी होगी जितनी भी हमने डिस्कस किए चीज़ें। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप इस वीडियो को एक लाइक कर सकते हैं, बिकॉज आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है। वीडियो को शेयर जरूर करें। दोस्तों तैयारी कर रहे बच्चों के पास ये वीडियो पहुँचनी ही चाहिए। मेरा काम होता है वीडियो को बनाना और आपका काम होता है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। यदि आप कोई इस वीडियो के PDF चाहते हो तो हमारे साथ हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ें, उसका लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिलेगा। वहाँ पर जाएं, हमारे साथ टेलीग्राम ग्रुप पर भी जुड़ें और PDF लेकर बार बार इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप खुश रहिएगा, पढ़ते रहिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।